शहर में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने के मामले लगातार अलग अलग थानों में दर्ज किए जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटों में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, बदमाशों द्वारा पिछले तीन दिनों से अलग अलग एटीएम से छेड़छाड़ कर 25 लाख रुपए की राशि निकाली गई, जिसके तहत क्लॉक टावर थाने में दो, रामगंज थाने में एक, अलवर गेट थाने में एक, क्रिश्चियनगंज थाने में तीन, कोतवाली थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद विशेष टीम का गठन कर बगरू टोल नाके के पास से हरियाणा निवासी सलीम खान, शाहबाज खान, आबिद खान को गिरफ्तार किया गया। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने माना कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से और भी वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है, जिससे दूसरे वारदातों का खुलासा हो सके। गौरतलब है कि आरोपी एटीएम मशीन में तकनीकी छेड़छाड़ कर रकम निकालते थे और रफू चक्कर हो जाते थे। शहर में पिछले तीन दिनों से लगातार अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग एटीएम में, विशेषतः एसबीआई के एटीएम में वारदातें कर रहे थे, जिसमें वो एटीएम के अंदर से जब पैसे विड्रॉ किए जाते हैं तब उनको रोक लेते हैं वहीं पे, और जब एरर दिखाता तब अपने जेब में डाल देते, ताकि वो उसकी कंप्लेन करके वापस अपने खाते में पैसे शिकायत के रूप में डलवा देते। और कुछ लोकल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट इसके संबंध में प्रथम दृष्टया सामने आई है, उसके संबंध में भी अनुसंधान आगे किया जाएगा। चूंकि इस तरह की बड़ी घटना थी तो एसपी साहब के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने इस संबंध में बहुत ही प्राथमिक रूप से बहुत अच्छे से इसमें इन्वेस्टिगेट किया और आगे तक पहुंच के इन मुलजिमों को दस्तियाब किया है। 24 घंटे के अंतर्गत ये वारदात खोलने से पुलिस ने ये प्राइमा फेसी प्रस्तुत किया है कि हम इन वारदातों के प्रति वास्तव में सजग हैं और इन सजगता के साथ में इनको खोलने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।